YouTube चैनल ऑफ दबन के डी क्लासेस। आज जो हम पोम पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास कोर्स के मद्देनजर बहुत ही खास पोम है और ये आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। आखिर ये पोम कौन सी है? ये जो पोम आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड दिस पोम इज रिटन बाय द पोएट दैट इज कैरोलिन वेल्स। आखिर इस पोम की थीम क्या है? What is the writer he wants to say about this poem? What is the main central idea behind this poem? So I should make you clear what is the theme of this poem. इस poem की theme ये है कि writer जो है poet जो है वो हमें ये बताना चाहता है that how you can identify a particular kind of wild animal. किसी भी जंगली जानवर को पहचानने की आखिर क्या क्या खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि जो आपने जानवर देखा है जंगली जानवर जो देखा है वो कौन सा है। यही इस पोम की थीम है, जैसा कि आपको टाइटल से भी पता लग रहा है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज गिविंग एन इंडिकेशन अबाउट व्हाट इज प्रेजेंट इन द पोम। लिसन द How to tell wild animals. Manishi is trying to make you clear that how you are able to identify any wild animal by looking at his characteristics. If the characteristics matches with what the poet has said, you can easily identify that this particular animal is this. तो चलिए इस पोम की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टेंजा फर्स्ट की। आइए देखिए। Yes, if ever you should go by chance to the jungles in the east. The poet is making an appeal and she is saying that कभी आपको मौका मिले, ठीक है, by chance कभी आपको मौका मिलता है और आपको कभी भ्रमण करने को मिलता है, घूमने जाते हैं towards the jungle of east, east के जंगलों की तरफ, okay? And if there should to you advance a large and tawny beast. Tawny means orange brown or yellowish brown, okay? तो ये पोर्ट जो है वो कहती है, ठीक है, पोर्ट जो है हमारे कैरोलिन वेल्स साहब जो है वो कहते हैं कि अगर आपके पास आप ईस्ट के जंगलों में जाते हो और अचानक से एक बहुत ही भयानक बड़ा विशाल और टाउनी बीस्ट यानी कि येलोइश ब्राउन कलर का जंगली जानवर अगर आपकी तरफ आता है, इफ इट रोर्स एट यू एज यू वर डाइंग, और वो आपकी तरफ आते हुए दहाड़ मारता है और उस दहाड़ को सुनकर ऐसा लगता है as if you are going to die from fear, जैसे उसकी दहाड़ सुनकर ही आप मर जाएंगे, आप उसके दहाड़ के खौफ से मर जाएंगे, okay? You will know it is the Asian lion. आपके लिए पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि आपने एक एशियाटिक लॉयन, एशियन लॉयन को देखा है। तो पोच जो है वो ये कहते हैं, ठीक है, कि आप कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एक एशियन लायन को, उसकी दहाड़ ही इतनी भयानक होती है कि आप उसके खौफ से ही मर सकते हो, ओके? तो मींस सब देखिए यहां पर हम इस फर्स्ट स्टैंजा के साथ साथ लिटरेरी टर्म्स भी कर लेते हैं क्लियर यहीं की। तो अब देखिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है एनजैम्बमेंट क्या यूज हुआ है। एनजैम्बमेंट यूज हुआ है। बोले सर व्हाट इज एनजैम्बमेंट? Enjambment का मतलब ये होता है, if a line continues in other line without any punctuation mark, yes, अगर कोई पंक्ति दूसरी पंक्ति में continue हो जाती है बिना किसी punctuation mark के, उस term को कहा जाता है enjambment। जैसे कि आप example देख सकते हैं, इस लाइन के अंदर ये लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो गई और यहां पर आपके ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया है? ये एग्जांपल हो गया है एनजैम्बमेंट का, ओके? उसके बाद आपको देखिए कि कौन सी दूसरी टर्म इसमें देखने को मिलती है। देखिए यू शुड गो, ओके? तो यहां पर जो टर्म आपको देखने को मिलती है ये कौन सी हो जाएगी? यहां पर एजोनेंस, ओके? अब देखिए यहां पर कौन सी टर्म हो जाएगी? एजोनेंस। बोले सर एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस दैट इज द रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड्स इन द पर्टिकुलर वर्ड्स इन अ लाइन, ओके? एक पंक्ति के अंदर अगर वोवल साउंड रिपीट होती है तो उस डिवाइस को कहा जाता है एजोनेंस कहा जाता है, ओके? ये होने के बाद आप देखिए यहां पर देखिए डाइंग को क्या बना दिया है? डाइ, ठीक है। तो यहां पर इफ
आपने देखा डाइंग की स्पेलिंग को क्या कर दिया गया है, डी वाई आई एन, बट एक्चुअल में क्या है डाइंग। यहां पर जो डिवाइस यूज हुई है उसे बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। क्या बोलते हैं? पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। बोले सर पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? देखिए ये एक ऐसा लाइसेंस है जो किसी भी कवि को दिया जाता है जिसके द्वारा उसे इजाजत मिल जाती है कि वो शब्दों के साथ हेर फेर कर सकता है, शब्दों के साथ खेल सकता है, ताकि वह पोएम के अंदर म्यूजिकल इफेक्ट कायम कर सके। और ऐसा ही हुआ है यहां पर। यहां पर डाइन जो है उसको डाइन बोल दिया गया है, इसको थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ की गई है शब्द के साथ और ये डाइन बन गया है। तो यहां पर जो डिवाइस यूज हुई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यस पोएटिक लाइसेंस। आगे देखिएगा यस You will know it is the Asian line. Okay, तो हमने देख ली कि इसके अंदर जो bilateral devices हुई हैं, वो भी हमने यहाँ पर clear कर लिया। अब हम next stanza की ओर चलते हैं। ध्यान रखिएगा। Yes. Or if sometime when roaming around. Okay. अब वापस poet is saying, वापस poet कहते हैं कि और कभी घूमते फिरते, okay, कभी घूमते फिरते, a noble wild beast greets you, आपका स्वागत करता है एक royal जंगली जानवर। ठीक है, अब रॉयल डिसेंसी, अब यहां पर जो रॉयल एटीट्यूड है वो किस में होता है आपको देखने को मिलेगा साहब। ओके, विद अ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, एक येलो बैकग्राउंड है और उस येलो बैकग्राउंड के ऊपर काले रंग की धारियां बनी हुई हैं। आप समझ ही गए होंगे किसकी बात की जा रही है। यस इट्स टाइगर। ओके, ये वो एक था टाइगर वाला नहीं है, सलमान खान साहब नहीं है। ठीक है, ओके, कहीं जाओ टाइगर क्या, हाँ टाइगर साहब खा जाएगा आपको, ऐसा नहीं करना। ओके, देखिए यस, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। ठीक, अब इसने क्या कहा कि आप घूमते फिरते अगर कहीं पहुंच जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पर आपका स्वागत एक जंगली जानवर करता है जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, कैट फैमिली, रॉयल फैमिली जिसे वो बिलोंग करता है, और इसके येलो कलर के बैकग्राउंड पर आपको काले रंग की धारियां देखने को मिलती हैं। ओके, और आप ये नोटिस करते हैं कि अगर वो आपको 10 नोटिस पे हिट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर ट्रेडिशन। और अगर वो आपको खा जाता है, और अगर वो आपको खा जाता है तो आप समझ जाइएगा वो कौन था, वो एक बंगाल टाइगर था। अब यहां पर एक देखिए बड़ी हास्यास्पद बात कर दी है लेखक, यहां पर क्या कर रहा है, अरे भाई कोई मरने के बाद जब आपको कोई खाए गया तो आपको आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत है, आप तो क्या आइडेंटिफाई करोगे, बचे ही नहीं, जिंदा ही नहीं बचे, राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, तो यहां पर व्हाट इज द राइटर यूजिंग, द राइटर इज यूजिंग द ह्यूमरिस्टिक डिवाइस, ह्यूमरिस्टिक एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड यूज कर रहा है? ह्यूमरिस्टिक एटीट्यूड, यानी कि हास्यास्पद एटीट्यूड। अरे भाई ऐसे पॉसिबल नहीं है, जब खाए गए तो फिर क्या पहचानेंगे किसको, कौन सा जानवर है, क्या मतलब है फिर। ओके, तो यहां पर द राइटर इज ट्राइंग टू गिव यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, और कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब आप देखिए इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइस यूज हुई है स्टेंजा के अंदर, वो हम देख लेते हैं। जब हम देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि रोमिंग राउंड र साउंड जो है रिपीट हुआ है। यहां पर जो डिवाइस हो जाएगी आपकी वो कौन सी होगी, एलिटरेशन, यस कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर रिपीट हो जाए तो वो कौन सी डिवाइस हो जाएगी, एलिटरेशन। तो यहां कौन सी डिवाइस हो गई, एलिटरेशन हो गई सर। ओके, यस, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, Thus notice if he eats you, the simple rule may help you, the Bengal tiger to descend. अब यहां पर देखिए टाइगर के लिए ही वर्ड यूज किया गया है, तो यहां पर कौन सी डिवाइस हो गई, पर्सोनिफिकेशन भी हो गया है। क्या हो गया है, पर्सोनिफिकेशन। जब हम मानवीय गुण प्रदान कर देते हैं किसी को तो वो कौन सी डिवाइस हो जाती है, हो जाता है पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। कौन सी डिवाइस हो जाती है, सोनिफिकेशन हो जाता है। एक और चीज साहब, जब हम किसी भी फेमस चीज की कल्पना कर लेते हैं, कोई भी फेमस चीज, अब बंगाल टाइगर अपने आप में फेमस है, एशियन लाइन अपने आप में फेमस है, तो यहां पर भी जब हम किसी फेमस चीज की कल्पना कर लेते हैं जो अपने आप में फेमस है, जिसे सब जानते हैं,
तो उसकी अगर कल्पना कर लेते हैं तो वहां जो डिवाइस यूज होती है उसे बोलते हैं एल्यूजन। क्या बोलेंगे साहब? उसे बोलेंगे एल्यूजन। बोलेंगे क्या? बोलेंगे एल्यूजन, यानी कि किसी भी फेमस चीज की हम क्या कर लेते हैं? कल्पना कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। उसे क्या कहा जाएगा? एल्यूजन कहा जाएगा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा की ओर। आगे थर्ड स्टैंजा में किस जानवर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, यस, इट्स स्ट्रोलिंग फोर्थ। ओके, अब स्ट्रोलिंग फोर्थ मीनिंग मैंने लिखा ही हुआ है वॉकिंग कैजुअली। अगर आप आराम से चल रहे हैं, ओके, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी घबराहट के आप बस आराम से चल रहे हैं। अ बीस्ट यू व्यू हूज हाइड, हाइड यहां पर मतलब है स्किन, अरे जिसकी खाल, हाइड मीन स्किन, खाल चमड़ी। ओके, स्किन विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, भाई जिसकी खाल पर छिड़काव किया गया है। किसका? स्पॉट्स का। ओके, किसका छिड़काव किया गया है? स्पॉट्स का, धब्बों का छिड़काव किया गया है। अगर आपको आराम से चलते फिरते कोई ऐसा जंगली जानवर मिल जाए जिसकी खाल पर धब्बों का छिड़काव किया गया है, राउंड राउंड स्पॉट्स का छिड़काव किया गया है, as soon as he has leapt on you, और जैसे ही वो आप पर छलांग मारेगा, okay, leapt means jump, leapt means jump, और जैसे ही वो आप पर छलांग मारेगा आप देखते हैं, okay, yes, you will know it is the leopard, आपको समझ आ जाएगा भाई ये कौन है, leopard है। जब छलांग मार लेगा तब आपको समझ आएगा कौन है, leopard है। यहाँ पर आप देखेंगे कि writer जो है continuously using the humorous attitude while expressing this poem, yes, हाँ, ये humorous attitude यानी हास्यास्पद बात कर रहा है। भाई जब आप चीता, आपका leopard जो है कूद ही गया तो आपको क्या realize होगा, है जान पे तो आ गया, yes, देखिएगा That will, ये टी विल क्या है? That will है, okay, do not good to roar with pain, he will only leap and leap again, अरे फिर क्या है? फिर there is no use, there is no benefit of crying with pain, फिर चाहे आप घबराहट के मारे रोते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं है, ये leopard continuously जो है आप पर छलांग मारता जाएगा, and it will continuously attack over you, और ये आप पर क्या करता जाएगा? हमला करता जाएगा, आप आसानी से पता लग सका सकते हो कि तुम पर किसका हमला हुआ है, तुम पर हमला हुआ है एक leopard का, okay, अब आप यहाँ पर भी देखिए, leap leap जो word है ये किसके लिए यूज किया गया है? लेफ्ट के लिए। ऊपर देखिए लेफ्ट के लिए यूज किया गया है, तो यहां पर भी जो टर्म यूज हुई है वो कौन सी है? वो है पोएटिक लाइसेंस। कौन सी टर्म यूज हुई है? पोएटिक लाइसेंस यूज हुई है, यानी जिससे एक कवि जो है वो शब्दों के साथ खेल सकता है, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है ताकि पोम के अंदर एक म्यूजिकल इफेक्ट बना रहे, ओके? तो यहां पर लेफ्ट को क्या बना दिया गया है? लेफ्ट लेफ्ट बना दिया गया है। और हम देख लेते हैं स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग फोर्थ, ओके, यहां पर भी एजोनेंस देखने को मिलता है, ओ साउंड का रिपीटेशन है, एजोनेंस कह देंगे हम। क्या कह देंगे यहां पर? एजोनेंस का यूज हुआ है, पोएटिक लाइसेंस हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। ही हैज यहां पर ह साउंड रिपीट है, और जब कंसोनेंट साउंड रिपीट हो दैट डिवाइस इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन कहा जाता है। तो ही हैज में क्या हो गया है आपके? एलिट्रेशन हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ स्टैंजा की ओर। तो फोर्थ स्टैंजा में आखिर किस जानवर के कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाया गया है, क्या उसकी पहचान है, आइए देखते हैं। यस, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने घर के पीछे के हिस्से में घूम रहे हो, यार्ड के बैकवर्ड पोर्शन, बैकवर्ड एरिया ऑफ द हाउस, उसे क्या कहा जाता है? यार्ड कहा जाता है। तो अगर आप अपने लॉन में, यार्ड में, बैकवर्ड एरिया में अगर घूम रहे हैं, ओके, यू मेट अ क्रिएचर देयर, और आपकी एक जानवर से मुलाकात हो जाती है, एक प्राणी से मुलाकात हो जाती है, who hugs you very very hard, be sure it is a bear, और जो आपको बहुत टाइट जकड़ लेता है, भयानक तरीके से आप पर जकड़ कायम कर लेता है, श्योर हो जाओ आप पर किसने अटैक कर दिया है, आपको किसने जकड़ लिया है? एक बियर, भालू ने जकड़ लिया है। यस, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैट्स, ओके, उसने कहा कि अगर फिर भी आपके कोई संदेह रह गया तो मैं आपको क्लियर कर दूं, वो आपको एक और जेंटल टच देगा और आप अच्छे से रियलाइज कर लोगे उसकी पकड़ से कि आपको किसने जकड़ लिया है, आपको एक भालू ने जकड़ लिया। भालू के बारे में आपको बियर के बारे में खास बात और बताऊं, ऐसा कहा जाता है कि बियर जो है मरे हुए पर अटैक नहीं करता है, ओके, तो इसके लिए क्या किया जाता है? सपोज आपको भालू मिल गया, ओके, तो आप भालू से कैसे बच सकते हैं? आप कुछ समय के लिए अपनी सांस रोक लो,
ठीक है, अगर आप सांस रोक करके इनसेंसिटिव होकर गिर जाओगे, ठीक है, द बियर विल नॉट अटैक यू, वो आप पर अटैक नहीं किया करेगा। और ऐसा कहा जाता है कि भालू जो आपको चाट चाट के आपको मां से चाट लेता है और खा जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक बताई जाती है, अगर आपके भालू आप पर अटैक कर ले तो कैसे उससे बचा जा सकता है। आखिर पांचवें स्टेंजा के अंदर हमारे कवि क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए फिफ्थ स्टेंजा की अगर बात करते हैं, तो फिफ्थ स्टेंजा की हम पढ़ते हैं, देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बीस्ट ऑफ प्रे, अगर आपको फर्क करना पड़े किनके बीच में, ऐसे जानवरों के बीच में जो दूसरे जानवरों को शिकार करते हैं अपने भोजन के लिए, ओके, अ नोविस माइट नॉन प्लस, इन्होंने कहा अब एक ऐसा व्यक्ति जो न्यूली अपॉइंट किया गया है इस जॉब के लिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा, किस चीज में कंफ्यूज हो जाएगा, नोविस मींस समवन न्यू टू अ जॉब, और नॉन प्लस मतलब क्या है, बी कंफ्यूज, यानी अगर कोई व्यक्ति इस फर्क करने के लिए नया नया कार्य भार संभालता है, अपॉइंट किया गया है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ओके, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेक टेल फ्रॉम द हाइना दस, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर क्रोकोडाइल क्या है और हाइना क्या है, दोनों में क्या फर्क है, लेकिन पोएट हमें समझाता है कि दोनों में आप कैसे फर्क कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये तो क्रोकोडाइल है और ये हाइना है। तो कवि कहते हैं, यस द पोएट इज सेइंग हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, आप देखिए कभी भी आपने हाइना को देखा होगा तो ये हमें क्या शिकारी कुत्ते जैसे लगते हैं, ओके, भेड़िए हैं, ठीक है, तो ये हाइना क्या करते हैं, आप जब इनके चेहरे की ओर देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि as if they are smiling, वो क्या है, हंस रहे हैं, ठीक है, जैसे उनका चेहरा ऐसा प्रतीत होता है, as if they are smiling, they are having no fear, they have nothing, ठीक है, और हमेशा खुशमिजाज चेहरा उनका देखने को मिलता है, जबकि क्रोकोडाइल्स की अगर बात करें तो क्रोकोडाइल रिमेन्स अ वेरी सीरियस kind of animal, आप देखिए क्रोकोडाइल हमेशा शांत गंभीर मुद्रा में जो है नदी में या नदी के किनारे पर पड़ा रहता है, ठीक है, और उसकी आईज से जो है tears they roll down from the eyes, ऐसा लगता है जैसे कि ये क्रोकोडाइल जो है रो रहा हो, देखिए, yes hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles, तो यही क्या है इन दोनों जानवरों में फर्क करने का जरिया है, जो हाइनास होते हैं उनके स्माइलिंग फेसेस होते हैं, जबकि क्रोकोडाइल्स की अगर बात करें तो उनके चेहरे ऐसे लगते हैं as if they are very serious and tears are continuously falling from the eyes, जिससे साबित होता है जैसे कि ये क्रोकोडाइल्स रो रहे हो, ओके, अब इसमें देख लेते हैं हम कोई लिटरेरी डिवाइस अगर यूज हुई है तो देखते हैं हम, एंड साउंड रिपीट हुआ है, ना साउंड जो है उसका स्टार्टिंग रिपीटेशन है, रिपीट हुआ है, साउंड रिपीट हुआ है, तो पहले साउंड अगर रिपीट होते हैं और वो कंसोनेंट हैं तो वो कौन सी डिवाइस हो जाएगी आपकी, वो डिवाइस हो जाएगी एलिटरेशन, तो यहां पर किस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड इन अ लाइन, तो ये कौन सी हो गई, एलिटरेशन हो गई। उसके बाद देखिए आपको एंजैम्बमेंट आपको देखने को मिलता ही है, एंजैम्बमेंट क्या है, यानी कि वन लाइन कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लाइन, एक पंक्ति जो दूसरी पंक्ति में कंटिन्यू कर रही है विदाउट पंक्चुएशन मार्क, तो वो हो जाएगा एंजैम्बमेंट, देखिए यहां पर ना फुल स्टॉप है ना कोमा है और ये लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो गई है, तो इसे क्या कहेंगे, एंजैम्बमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम, एंजैम्बमेंट कहेंगे, ओके। अब आप देखिए क्या है, लास्ट जो स्टेंजा है उसके अंदर हमारे पोएट जो है he is trying to describe the how you can identify a chameleon, आखिर आप एक chameleon जिसे हम गिरगिट बोलते हैं उसे कैसे identify कर सकते हैं, देखिएगा, a true chameleon is small, ये कहते हैं कि एक true chameleon की अगर बात की जाए तो वो छोटा होता है, yes a lizard sort of thing, और वो आपको देखने में बिल्कुल कैसा लगेगा, एक छिपकली जैसा लगेगा, ओके, जैसा कि आप देखते हो छिपकली और कैमेलियन दोनों का स्ट्रक्चर तो वैसा ही होता है, बट डिफरेंस उनमें होता है, डिफरेंस क्या है, देखिए he hasn't any ears at all, ये कहते हैं कि जो हमारा कैमेलियन है उसके कान नाम की चीज होती नहीं, कान नहीं होते हैं, ओके, and not a single wing, और ना ही उसके पंख होते हैं, ओके, ना ही उसके पंख होते हैं, यस, and not a single wing, if there is nothing on the tree this
उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, कैमिलियन है, क्योंकि कैमिलियन की एक खास बात है, कैमिलियन गिरगिट जो है अपना रंग बदलने के लिए माहिर होता है, जैसे सरफेस पर होता है वैसा ही अपना रंग बदल लेता है, जिसकी वजह से ही इज एबल टू हाइड, अपने आप को छिपा सकता है शिकार बनने से। और वैसा ही इसने कहा वो नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने पेड़ का कलर खुद अज्यूम कर लिया है, पेड़ का रंग ले लिया है, जिसकी वजह से उसे देख पाना असंभव है। तो अगर ऐसा क्रिएचर आपको देखने को मिलता है तो कवि कहते हैं यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझ जाना चाहिए वो क्या है, कैमिलियन है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम, इसमें ह ह साउंड जो है रिपीट हुआ है, तो यहां पर कौन सी डिवाइस हो जाएगी, एलिट्रेशन हो जाएगा, कौन सी डिवाइस हो जाएगी यहां पर, एलिट्रेशन हो जाएगा। ओके, इसमें भी आपको एंजॉयमेंट देखने को मिलता है, दिस के लिए TIS वर्ड यूज किया गया है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पोएटिक लाइसेंस क्या हो जाएगा, पोएटिक लाइसेंस हो जाएगा, यानी कि शब्दों के साथ छेड़छाड़ करना ताकि एक म्यूजिकल इफेक्ट पोएम के अंदर क्रिएट रहे। अब यहां पर देखिए सिंगल और विंड, इन दोनों में ग ग साउंड जो है क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ठीक है, पर ग साउंड देखिए स्टार्टिंग में नहीं है। ओके, जिसकी वजह से अगर स्टार्टिंग में ना हो करके कहीं शब्द के बीच में अगर कोई साउंड रिपीट होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। पर कौन सा साउंड होना चाहिए, कौन सा साउंड होना चाहिए आपका, आपका जो साउंड होना चाहिए वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, यानी कि साउंड अदर देन द वोवल साउंड्स, वोवल साउंड के अलावा जो साउंड होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। तो अगर शब्द के बीच में कहीं साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तो उसे कॉन्सोनेंस कहा जाता है। तो ये हमारी पोएम क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आए।